ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिक्स क्लास के कोण नंबर 14 और 15 बनाएंगे। 14 कोण है, रेखा ए बी को 5 समान भागों में बांटो। रेखा ए बी, पहले हम एक रेखा ए बी लेंगे। ए से हम नीचे की तरफ को कोई सा न्यून कोण बनाएंगे, अपनी इच्छा से जितना आप चाहते हो। स्केल ए पर रखेंगे और एक डॉटेड लाइन लेंगे। इसे नाम देंगे डी। अब हम अपनी मर्जी से थोड़ी सी प्रकार निकालेंगे और इस न्यून कोण पर 5 बार चाप लेंगे, मतलब कि इस न्यून कोण पर 5 समान भागों में चाप काटेंगे। 5 1 2 3 4 5। इसके बाद अब जो 5 है उसको बी से डॉटेड लाइन में मिलाना है। अब हम स्केल को नहीं हिलाएंगे, ऐसे ही इसको 4 तक लाएंगे। 5 और बी के पैरेलल हम 4 से लाइन लेंगे। उसी तरह 4 से हम 3 पर स्केल को लाएंगे और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन लेंगे। अब 2 पर सेम वही प्रोसीजर और हम 1 से डॉटेड लाइन खींचेंगे और ये हमारा ए बी जो रेखा है उसके 5 भाग हो गए हैं। 2 3 4 5, और ये कोण नंबर 14 बनकर तैयार है। कोण नंबर 15 है, ए बी रेखा को 2:3 में बांटो, मतलब कि एक इसका दूसरा हिस्सा दिखाना है और दूसरा हिस्सा 3 भागों वाला। तो पहले ए बी रेखा लेंगे, सरल रेखा, इसे नाम देंगे ए और बी। अब जैसा हमने 14th क्वेश्चन किया है वैसे ही हम ए बी रेखा पर भी ए से नीचे की तरफ को एक रेखा लेंगे, इसे नाम दिया डी। अब वैसे ही प्रकार को थोड़ा सा निकाल कर 2:3 कहा है तो इसका ये मतलब है कि 2 + 3 = 5, तो इसके भी 5 भाग करने हैं। इसको 5 चापें काटनी हैं ए डी रेखा पर। 1 2 3 4 5। अब 2 + 3, 2 + 3 हो गया 5, तो जो 5 है उसको तो बी से मिलाना ही है। ये 2 है, अब ये 1 2 3, 5 पर ये 3 हिस्से हो गए, तो 5 को बी से मिलाएंगे। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है वो 2 से आएगा, तो हमने 2 से पैरेलल लाइन लेनी है 5B के। ये देखो, जो A से लेकर C तक हिस्सा है ये रेखा का दूसरा हिस्सा है और जो C से B तक का हिस्सा है वो 3 हिस्से हैं। कोण नंबर 15 बनकर तैयार है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।